गाइस, आज बट सावित्री की पूजा है तो मैं भी बट के लिए पेड़ के नीचे आई हूँ पूजा करने के लिए। इस बार की पूजा मैंने कानपुर में की है, मैं रुकी हुई थी यहाँ पर और बहुत ही शॉर्ट मैंने ये वीडियो बनाया है आप सभी के लिए। आप देख रहे होंगे और भी लेडीज़ यहाँ पर पूजा कर रही है, सब अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं, सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं। बेसिकली ये पूजा हम पत्नियाँ अपने पतियों के लिए करते हैं, उनकी लंबी उम्र और उनकी सलामती के लिए करते हैं। तो बस मैंने पूजा करना स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, बहुत भीड़ भी थी और ये जो साड़ी है ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी, बहुत ज़्यादा फिसल रही थी, ये साड़ी टिक नहीं रही थी। तो फिर मैंने इसे फाइनली दबा लिया और ये मैंने आरती करनी स्टार्ट कर दी। अब मैं आरती कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी है, बस ये लास्ट स्टेप है मेरी पूजा का। और जैसा आप देख रहे हो जगह नहीं है, वो पीछे से आंटी निकल के आ रही है मेरे। अब मैं बड़ देवता से आशीर्वाद लूँगी और अपनी पति की लंबी उम्र और उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करूँगी उनसे, और मुझसे जो भी गलती हो गई हो बड़ देवता मुझे प्लीज़ माफ़ करें, प्रार्थना स्वीकार करें। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। आज मैं अपने इवो को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं उसे घर पर छोड़ कर आई हूँ, वरना वो पूजा नहीं करने देती मुझे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो उसके लिए आना ठीक भी नहीं था। बहने लगी इतनी गर्मी है। तो बस अब मैं पूजा करके जा रही हूँ घर अपनी इबू के पास, वो मेरा वेट कर रही होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।